बेटी बड़ी बहन प्रज्वल वक्ता और देश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका रखने वाली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सुषमा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव और सांसद अर्जुन जी मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार सिंह जी नाकावत और विधायक सूर्यकांता जी और कैलाश जी भंसाली और अर्जुन जी गर्ग, पूर्व सांसद जसवंत जी बिजनोई, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत, मुंबई प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज के पुरोहित, राजद्रोह के पूर्व चेयरमैन मेघराज जी लोया, एल आर बिश्नोई जी, पूर्व विधायक श्रीमोहन जी मेघवाल, जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी कचावा, जिला अध्यक्ष देहात जलेचा, सभी मोर्चा, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी पूर्व मंत्री और विधायक, सब उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं अपनी महिलाओं को प्रणाम करना चाहती हूँ जिन लोगों ने अथाह संख्या में आके जैसे हमेशा करती है प्रेम देने में मुझे कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप लोग सब जिन्होंने साथ यहाँ आके हम सबको अपना प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 4 अप्रैल के महीने में चार पूजा जी से आशीर्वाद लेके मैंने अपनी सुराज संकल्प यात्रा को शुरू की और ये यात्रा अब 14,000 किलोमीटर हो गए और जोधपुर में ये 175 की मीटिंग है और ये आखिरी मीटिंग, क्योंकि ये 7वां संवाद, इस आखिरी मीटिंग के अंदर आप लोगों ने इतने बड़ी सभा के रूप में इसका आयोजन किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद आप सबको दूंगी। ये यात्रा में मुझे राजस्थान की सब पूरी जनता का, जिनको मैंने हमेशा अपना परिवार माना है और जिन्होंने वैसा ही मुझे प्यार दिया है, उनसे बहुत बहुत प्रेम मुझे मिला, बहुत प्रेम मिला। एक और जहां बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया, वहां माता और बहनों ने मुझे प्यार दिया और नौजवान ने नए राजस्थान को बनाने का जोर शोर से संकल्प लेके हम लोगों का साथ दिया और मेरी पूरी थकान को हटा दी, क्योंकि 14,000 किलोमीटर चलना, मैंने ये सोचा था कि जब तक मैं जोधपुर पहुंचूंगी तो मेरी हालत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, परंतु आपके इस ऊर्जा ने और मेरी नौजवानों की इस ऊर्जा ने हमको फिर से ताकत देके आप लोगों के सामने खड़ा किया है। मुझे लगता है कि 14,000 किलोमीटर में फिर से कर सकती हूँ, आपकी इतनी सारी और इतनी बड़ी ताकत है। हर दिन राजस्थान की सड़कों पर यात्रा करते हुए, लोगों से संवाद करते हुए, सबसे उनके हालचाल को पूछते हुए मैंने प्रदेश की पूरी जो जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए उसको देखने का मुझे मौका मिला। मैंने देखा कि सड़क के क्या हाल है, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, ये जो बुनियादी विषय है उनकी सबकी क्या हालत है वो मेरे को देखने को मिला। और मेरा मानना है कि एक और जहां मेरे परिवार के लोगों ने, राजस्थान की जनता ने इस पूरी यात्रा में जो शोर से हमारा साथ दिया, वहां दूसरी ओर मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी अथक मेहनत, उनकी लगन और उनने पूरे तरह से जुट जुटा के इस कार्यक्रम को ही नहीं पूरे 4 महीने सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरे किए और आज के कार्यक्रम को भी पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इसीलिए मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों का जो ये बहुत बड़ा प्यार का कर्जा है, उस कर्जे को कैसे उतारा जाए मैं रोज सोचती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ आपने हमारे कर्जे पर डाल दिया है और मैं समझती हूँ कि मैं कितनी भी सेवा करूँ उसके बावजूद भी आप लोगों के इस प्यार की बात को उठा नहीं पाऊंगी, इसलिए जितना जैसे आप लोगों की सेवा कर सकती हूँ उस पर करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहूंगी। राजस्थान की क्या हकीकत है वो भी मेरे सामने आई। मैं आज जोधपुर में आपके सामने खड़ी हूँ
परंतु अगर आंख बंद कर लूं तो ऐसा लगे कि मैं उदयपुर में हूं या मैं भरतपुर में हूं या मैं कोटा में हूं, किसी भी ये सात संभाग में अगर मैं चली जाती हूं तो मुझे मालूम है कि जो सड़क है खैरवाड़ा की, टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़क, जो सड़क है खैरवाड़ा की वही ऐसे ही सड़क है टूटी फूटी ओसिया की, उससे भी बुरी हालत होगी शायद। जो नसीराबाद के हाल है वही हाल गीडवाना के है और वही हाल टोड़ा भीम के है। पूरे प्रदेश के अंदर मेरे को ये सब देखने को मिला है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस के तौर पे जो मुझे मिला है, देखने को मिला कि पूरे राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। बीकानेर के अंदर लोअर भादरा में नहरों की गंदगी निकालने के लिए जो मैंने मशीनें लाखों करोड़ों की तादाद में पैसा देके उनको खरीदा था, आज बंद पड़ी है क्योंकि सरकार के पास उनके अंदर डालने का डीजल नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मशीन नहीं चल रही है क्योंकि उसके अंदर डालने का डीजल नहीं है लोगों के पास। और अगर विज्ञापन देख लो तो विज्ञापन में ऐसा पानी चल रहा है कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर कहीं कमी ना हो, परंतु राजस्थान के गांव के अंदर चले जाओ, राजस्थान के संभाग के अंदर चले जाओ तो पानी नाम की चीज ही नहीं है। या तो खारा पानी मिलेगा या फ्लोराइड पानी मिलेगा। हमारा जो पानी है वो बैग पाकिस्तान चला जा रहा है, परंतु मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है। उनको अगर चिंता है तो सोनिया गांधी और राजस्थान के पानी की तो कोई चिंता नहीं, पर सोनिया गांधी की चिंता, उनके परिवार की चिंता, उनके दामाद की चिंता, दुनिया की चिंता है, राजस्थान की चिंता बिल्कुल नहीं है। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल एसोसिएशन ने मेरे को बताया कि उनका टेक्सटाइल की जो व्यवसाय है वो अपना दम तोड़ रहा है। सिरोही की जो जीरा मंडी है वो गुजरात पहुंच गई है और बीकानेर के अंदर जो सूर सागर तालाब है वो वापिस बदहाली की तरफ हो गया है। और एक मजे की बात है कि जिस दिन मैं बीकानेर पहुंची हूँ उसके एक दिन पहले उन लोगों ने जल्दी बल्दी आनंद फानन में वो जो सूर सागर था उसको फिर से ठीक करके उसको लाइट लगा के तैयार कर दिया कि वो आ रही है। फिर वो कहेगी सबको कि सूर सागर की क्या हालत है, इसलिए पहले ही उसको लाइट लगा के सब तैयार करके रख दो। और भाइयों मैं आपको कहना चाहती हूँ, पानी आया और पूरा का पूरा बह गया और जो सूर सागर का हालत है वो आप लोगों को फिर देखने की जरूरत है क्योंकि उसी बदहाली की हालत में सूर सागर जाके पहुंचो। भाई पैसे खर्च किए और वैसे ही व्यर्थ चले गए। महिलाओं को आज फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोगों को, आप देख लीजिए आबू रोड के एक कॉलोनी में से मैं निकली तो निवासियों के मकान पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा था। सब निवासी खड़े हुए थे, सब निवासियों ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे ये कहा कि आप अगर देख लीजिए 50 साल से हम इस कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे बुलडोजर करके हमारे मकानों को ले रहे हैं। मैंने कहा मैंने अभी अभी अखबार में ये पढ़ा है, उनका जो पोस्ट कार्ड चलता है उस पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ है कि 2,58,000 पट्टे हमने राजस्थान के अंदर दिए है, क्या तुम लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे? तो उन्होंने कहा पट्टे को छोड़ दो, हमारी जो भूमि थी उसको भी इन्होंने ले लिया है। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि ये पट्टे आपको नहीं मिल रहे हैं, ये पट्टे उन भू माफिया को मिल रहे हैं, उन माफिया को जिस इस सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर उनको खड़ा किया है, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो जोधपुर हो और चाहे वो किसी भी संभाग में हो। आज ये पट्टे जो मिल रहे हैं वो गरीब को नहीं मिल रहे, ये मिल रहे हैं तो उन लोगों को मिल रहे हैं जो भू माफिया के काम में लिप्त है। इसी तरीके से जब मैं भीलवाड़ा से निकली तो भीलवाड़ा में थोड़ी देर निकलने के बाद भीलवाड़ा के लोगों ने मुझे रोका और भीलवाड़ा के लोगों ने कहा कि आप जिस क्षेत्र में निकल के जा रहे हो वहाँ 38 गांव ग्राम पंचायत है और वो 38 ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे 11 ग्राम पंचायत है जिसको पट्टे दिए जा रहे थे। रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पट्टे दिए गए, बेचारे गरीबों को तो पट्टे नहीं मिले। कौन था वो जो रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने पट्टे बनवा रहा था? मैं कह रही हूँ भूमा का फिर से भी पूरे राजस्थान के अंदर भूमा किया को इतने छोड़ के रखा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई तो ये है। अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जिस स्टेट के अंदर जिस राज्य के अंदर काबिज है वहां वो बर्बाद करके छोड़ती है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ भाइयों कि आप देख लीजिए गुजरात की सरकार 15 साल उनको मिले, 15 साल उनको 3 बार चुन चुन के वापस भेजा और आप देख सकते हैं कि उस सरकार ने कितना बढ़िया और
प्रदेश में 10 साल उनको दिए और 10 साल के अंदर उन्होंने काया फलक करके रख दिया है मध्य प्रदेश का। और मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे आपने 5 साल दिए, 5 साल के अंदर राजस्थान को आप गरीबी की रेखा के नीचे से निकाल के हमने अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया। बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था, बीमारू का पट्टा उसने हटाया और 7 साल भैरव सिंह जी का था। अगर ये 12 साल निकाल दीजिए तो 53 साल हमने इनको दिया, कांग्रेसियों को दिया और उन्होंने सबने बर्बाद करके राजस्थान को रखा है। ये सब आप लोगों के सामने है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक तो कोई भी राजस्थानी यहाँ वापिस आके व्यापार नहीं करना चाहता है। वो कहते हैं कि इतना जोरदार भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को रोकोगे नहीं तो हम लोग राजस्थान के अंदर आके कोई भी काम करने को तैयार नहीं। आप चले जाइए बाड़मेर के अंदर और बाड़मेर के अंदर अगर आप देख लेंगे कितना जोरदार जमीन का धंधा हुआ। रॉबर्ट वाड्रा आए, सब रूल तोड़ दिया आप लोगों ने और उसको तोड़ के जितनी जमीन चाहिए थी बीकानेर के लिए उसको जमीन थी और वो इसी तरीके से भूमि का धंधा आपके बाड़मेर के बायतू और पंचपदरा के आसपास हुआ है, वो आप लोग सबको देखने को मिला है। मुझे ये बताइए कि जब सरकारी भूमि थी पचपदरा के अंदर तो लीलाड़ा के अंदर जाके आपने रिफाइनरी लगाने की क्यों बात की? और रिफाइनरी जब लगने की बात चल रही थी, धारा 4 और धारा 6 चल रहा था तो ऐसे टाइम में जमीन की खरीद फरोख्त हो रही थी और इसी तरीके से पचपदरा के चारों ओर हुआ। और जब फैक्ट्री कोई लगाता है जिसकी भूमि है, जिसका तेल है, जिसका पैसा है, क्योंकि हमारी सरकार दे रही है पैसा 60,000 करोड़ रुपया आपको देने की तैयारी में है, इनके पास ये सब कुछ है और HPCL उसको पूरा हम लोग पैसा शहर दे रहे हैं। हम अपने शहर में भाइयों सिर्फ 25% रख रहे हैं। ये तो घाटे का सौदा हुआ राजस्थान के लिए। कोई काम करने ऐसा चाहता है तो घाटे का सौदा नहीं करके आता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये घाटे का सौदा हुआ तो क्यों हुआ? वहां आपने सौर ऊर्जा के बड़े बड़े पंखे लगा दिए हैं, नीचे की ओरन हजारों भूमि, हजारों एकड़ भूमि इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, बाहर की कंपनियों ने आके उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ भाइयों, जो बेचारे गरीब लोगों को तो मिलता नहीं है उनको जमीन मिल दे रही है और इन लोगों सबको मैंने ये कह दिया है कि अगर बिजली इसमें से पैदा होगी सबसे पहले उस क्षेत्र के लोगों को बिजली देने का काम करना है, नहीं तो वहां बिजली पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। सब लोगों को पहले वहां बिजली देने की जरूरत है, एक हिस्सा बिजली उनको जरूर दे। मैं देख रही थी कि आज आप लोगों की कौन कौन से माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, पानी माफिया, अरे माफिया ही माफिया चल रहा है। और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने अपने 5 साल के अंदर क्या किया तो इसका ब्यौरा सुन लो। पहले साल के अंदर ढोल बजा के अपना स्वागत कराया पूरे साल, दूसरे साल उन्होंने फीता मेरे फीते काटे, जो जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसके जो जो तैयार हो गए थे उसके फीते काटने का ये काम किया। तीसरे साल में जय गोपालगढ़, सूरवाल, ये सब चीज आप लोगों के सामने है। चौथे साल में उनने अपने विपक्षियों को चाहे दूसरी पार्टी में हो चाहे अपने पार्टी में जेल डालने का काम किया। और पांचवें में अब जनता को, जनता की उनको याद आ गई तो उन्होंने घोषणाएं करना शुरू कर दी कि जितनी भी घोषणा कर सकते घोषणा करें ताकि ये जनता हमारे कामों में आ जाए। जनता लोगों से ऐसी पकड़ने वाली नहीं है। मैंने अभी देखा क्या जोधपुर की तरह थोड़ी निगाह डाल के देखो तो सही कि जोधपुर की क्या स्थिति है। मैं देखा जोधपुर शहर में सफाई, यातायात, अस्पताल का प्रबंधन का इतना बुरा हाल है कि इसके कारण उच्च न्यायालय ने मॉनिटरिंग, इस जोधपुर का मॉनिटरिंग करना पड़ा। कितनी शर्म की बात है, ये मुख्यमंत्री का इलाका है और इस मुख्यमंत्री के इलाके के अंदर अगर आपके हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि हम इसकी मॉनिटरिंग डे टू डे करेंगे तो क्या बात है, क्या सकते हैं इनके बारे में क्या कह सकते हैं। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर तो आपने बनाया लेकिन अधिकतर पद खाली है, उनके पास ऑफिस भी नहीं है, ये डाक बंगले के अंदर से अपना काम कर रहे हैं। हमने अपने समय में गुलाब सागर, फतेह सागर इन सब चीजों का सौंदर्यीकरण किया। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि और कुछ नहीं तो इसको मेंटेन ही कर लेते, संभाल के रख लेते, परंतु वो भी करने को तैयार नहीं है। हमने मजबूत गोरख पथ बनाया परंतु इस सरकार ने उसको भी मेंटेन नहीं किया। और अभी अभी जिस तरीके से हम लोगों ने गोरख पथ बनाया, राजीव पथ बनाया उन्होंने 12 के अंदर और उसके ऊपर से ट्रक चलाया तो ट्रक और रोड दोनों ही धस गए। ये है क्वालिटी उनके काम का। ये इस तरीके का काम करेंगे जनता का क्या काम होगा मुझे समझ में नहीं आता।
पाली रोड, पाल बाड़मेर रोड, बनार जयपुर रोड, मंडोर नागौर रोड, इन सब का निर्माण और काम हमने किया। अभी जिस रास्ते से मैं आ रही थी वहाँ के लोगों ने मुझे रोक के कहा कि यहाँ तो सीवरेज की बहुत जोरदार प्रॉब्लम है, बहुत खा के रख दिया है, हमारी मदद नहीं करी, आप कोई ना कोई जाके हमारी मदद करने का काम करें, ये प्लीज नोट करिए और हमें इसमें से राहत दीजिए। शास्त्री सर्कल पे हम लोगों ने म्यूजिकल फाउंटेन बनाया था, क्या हो गया उस म्यूजिकल फाउंटेन का भाइयों, किसी को मालूम है? मुझे याद है कि जब चलता था तो हम लोग सब गए थे देखने के लिए, वो म्यूजिकल फाउंटेन जैसे के तैसे वहीं के वहीं ठप पड़ा हुआ है। गौशाला के मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको बनना था, उसकी क्या हालत है? रुपया तक नहीं दिया, बोला पर रुपया नहीं दिया। आपके जोधपुर शहर में पीने का पानी अव्यवस्था के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और जोधपुर शहर में जगदम्बा कॉलोनी चांदना वाकर बस्तियां में आज तक सीवरेज लाइन की जो ये बात चिल्ला चिल्ला के मुझे कह रहे हैं वो करने का कारण टैक्स भी नहीं है। अब ये तो काम जनता का है, तो कर लेना चाहिए, उस पर टैक्स देने का मतलब क्या है जो समझ नहीं आया, पर तो ये सब आप लोग सबको देखने को हम लोगों को मिल रहा है। मैं आप लोगों ये भी कह दूं कि मैंने आप लोगों के लिए ये तय कर दिया था कि भामाशाह योजना अगर लग जाती है तो भामाशाह योजना के द्वारा पेंशन का इंतजाम और महिलाओं के द्वारा बैंक अकाउंट खोलने का काम और स्मार्ट कार्ड के ऊपर आप लोगों को 30% स्वास्थ्य बीमा, 30,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा, ये सब मिल जाएगा। परंतु उस बीमा को उन लोगों ने रोक दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। आज बैंक के अंदर 200 करोड़ रुपया है और ये आनंद आनंद में पेंशन लगाने की सबकी कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 4 साल पहले अगर कर दिया होता तो आज सबको पेंशन मिलता, सबको काम मिलता और सब लोग आज खुश होते, परंतु करने की तैयारी नहीं है, कर भी नहीं सकते। कांग्रेस बहुत दिखावा करती है। अब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो मुस्लिम आरक्षण का राग लगाया, आपको याद होगा, जोरदार राग अलापा, और आज वो विषय गायब है। गुजरात का चुनाव आया तो एक सैंपल मकान बना के तैयार रख दिया, सचिन पायलट उसका उद्घाटन करने गए, अब आपको पूछो कि उनका क्या हुआ तो वो बात भी ठंडे बस्ते में चला गया है। 1970 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी का जोरदार चला, गरीबी तो नहीं हटी, जनता की गरीबी तो नहीं हटी, हाँ इन लोगों की गरीबी जरूर हटी है, ये देखने को हम लोग सबको मिल गया है। बीपीएल परिवार बढ़ के देश के 70% हो गए। अरे रोज रोज अपन गिनती करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि बीपीएल परिवार घटे तो देश आगे बढ़े, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा मामला है, बीपीएल के परिवार बढ़ते जा रहे, आज 70% पे ये पहुंच चुके हैं। और अपने क्षेत्र के अंदर पूछ लो, जिन लोगों को बीपीएल नहीं बनना चाहिए उनको तो बीपीएल बना रहे हैं, और जिनको बनना चाहिए उनका नाम और निशान उस लिस्ट के अंदर नहीं है। ये इनको है इस कांग्रेस का काम। मैं इसके साथ साथ आपको याद दिलाऊं, हमारे बच्चे लोगों को पहले तो जो स्कूल में जाते हैं पर देखने के लिए तो पढ़ाई के साथ स्कूल में टीचर ही नहीं है, अरे टीचर है तो बच्चा नहीं है, और कहीं कहीं तो बड़े बड़े ताले भी लग गए हैं उनके गेट के ऊपर। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, परीक्षा में से नहीं निकल पाएंगे तो कल कॉम्पिटिशन में भी नहीं बैठ पाएंगे। और अभी एक टेस्ट उन्होंने टेट की परीक्षा कर दी कि उस टेट की परीक्षा के अंदर हमारे जवान लोग मैंने फंस जाए। मैं सब लोगों को कह जाना चाहती हूँ उसका प्रबंधन करेंगे, और प्रबंधन करके उसके साथ साथ आरपीएससी की वापस जाके जिस तरीके से पहले आप लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया था उस तरीके से फिर नौकरी लेने का काम आप लोगों को हम करेंगे। 10 लाख बच्चों को हम लोगों ने तब नौकरी दी थी और यहाँ इन लोगों ने अभी नौकरी देने का नाम और निशान नहीं है। मैंने ये भी देख लिया, ये ईश्वर पर सब लोग कहते हैं कि इसकी सरकार बस भगवान के भरोसे चलती है। मैं हाँ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सरकार भगवान के भरोसे चलती है, और जब मेरी सरकार भगवान के भरोसे संतों के आशीर्वाद से चली तो मैं ये कह सकती हूँ कि राजस्थान बड़ा, राजस्थान ने काम किया, राजस्थान का विकास हुआ और राजस्थान बिहार प्रदेश से बाहर निकल के आया। हाँ हम लोग भगवान के भरोसे चलते हैं, परंतु हम लोग भी मिलकर काम करते हैं। पूरी तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। मैंने उनके जो भूमि के साथ जो उनने बदमाशियां की है वो तो सबके सामने है। जमीनों का गोरख धंधा जोरदार तरीके से चल रहा है, माइंस का गोरख धंधा जिसके पट्टे अभी इन्होंने कैंसिल किए वो चल रहा है। अपने परिवार को जो पीएचडी भी नहीं है ऐसे लोगों को लेक्चरर बनाने का, प्रोफेसर बनाने का काम जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर करा है, तो आप लोगों से किसी से छिपी नहीं है बात।
इस तरीके से गंदे हो रहे हैं और उसमें सब लोग लिप्त हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को फ्लोराइड पानी मजबूरी में पीना पड़ रहा है, बिजली की जोरदार कमी है। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर यार भैया 3 घंटे 3.5 घंटे से ज्यादा किसी को किसान की बिजली 3 फेज बिजली मिलती है क्या? है कोई? नहीं मिलती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो 72 घंटे में तो क्या 72 महीने में नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो आप लोगों को उसके लिए जब तक रिश्वत नहीं देते हो तब तक वो नहीं मिलता है, ये भी हम लोगों को मालूम है। मैं हमारे सब भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि अभी ओलावृष्टि हुई थी, पाला पड़ा था जयपुर में, मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप लोगों को एक जोरदार पैकेज दिया गया, आप में बिजली के जो दाम थे वो कम हुए और उसके साथ साथ आपको पैसे का एक जोरदार पैकेज बना के दिया। मिला आप लोगों को? किसी को मिला? और जयपुर वालों को तो ये सबको लग रहा है कि आप लोगों को खेतों के अंदर इस सरकार ने पूरी तरह से मदद करते हुए मुआवजा का इंतजाम किया, जो मुझे मालूम है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसी ने किसी भी किसान को 1,50,000 का बिना ब्याज का ऋण मिला? किसी को नहीं मिला। माता बहने में पूछना चाहती हूँ कि 1 रुपए किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग डॉक्टर की और ये सब इतना सारा काम चल रहा है, क्या आपके मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई कहीं किसी को मिली? और अगर किसी को मिलती भी है तो वो लाइन में लगो 2-3 मत दवाई ले सकते हो, फिर आओ वापस 2 दिन के बाद, फिर 3-3 घंटे के अंदर लाइन में खड़े हो जाओ। ये तो काम होने वाला नहीं है, अखबार के अंदर होता है। भाइयों दो काम होते हैं, एक काम है घोषणा और दूसरा है उपलब्धि। ये तो घोषणा ही घोषणा करते हैं हम लोग, कोई भी घोषणा तो आराम से कर सकते हैं, परंतु उपलब्धि दूसरी बात है कि आप अपनी घोषणा को उपलब्धि में बदलो तो अपने आप में बड़ा काम होता है। सबसे पहले मैंने सब माताओं बहनों को कह दिया था कि मैं अलग से सिंगल फेज की लाइन आप लोगों को ला के दूंगी, ये राजस्थान में कभी नहीं हुआ था, पहली दफा उसको करके दिया। और जब तक 2008 के अंदर में गई तब तक आप लोगों को 18 से 30 घंटे बिजली देने का मैंने काम किया था, और मैं आज आपको वादा करके जा रही हूँ सरकार अपनी आएगी और 24 घंटे बिजली आपको देने का काम घरेलू बिजली का करते रहेंगे। साहब मैंने ये तो कहने की बातें होती है माता बहने, ये सब काम अपन कर सकते हैं। बस एक और काम मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के यहाँ भवरी कांड हुआ सब लोगों को मालूम है, उससे कई महीने पहले भवरी खुद मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, बताया मुझे कि बातचीत हुई और उसने अपनी बात उनको कही भी। मैं मानती हूँ कि उस समय अगर उसकी बात को सुन के एक्शन लिया होता तो शायद जो उसके बाद हुआ वो नहीं होता। और ठीक है, इसके बाद आपको 151 या 152 सीडी लोगों ने कहा बना के रखे गए, उसमें से एक ही सीडी के ऊपर एक्शन क्यों लिया गया और 151 सीडी जो है वो गए तो गए कहाँ? सब आदमी जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक पे एक्शन लेगा तो मैं मानती हूँ 150 पे भी एक्शन लेने का काम सरकार को करना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कहाँ गया और क्या हुआ और किस तरीके से ये मामला आता है। ये बातें कोई हमको बताने को तैयार नहीं। आखिर मैं आप लोगों को यही कहने आई हूँ कि आज आप 4 महीने बाकी बच गए, ये 4 महीने के अंदर एकदम से सरकार जाग उठी है, कुंभकर्ण की नींद से निकल के एकदम से उसको याद आ गया कि ओहो भैया चुनाव आ गए, तो चुनाव आ गए तो आपके पीछे पड़ गई है। बताओ आपको किस चीज की जरूरत है, आपको लैपटॉप की जरूरत है तो पैसे ले जाओ, आपको लुगड़ी की जरूरत है तो पैसे ले जाओ, आपको चावल की जरूरत है तो पैसे ले जाओ, साइकिल नहीं मिल रहा है तो पैसे ले जाओ। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, जब पूछा उनसे तो उनने कहा हम तो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो झालावाड़ में गए एक मंत्री, उन्होंने लैपटॉप बांटने का काम चालू किया और लैपटॉप के बाद में जब उन्होंने भाषण दिया तो अपने भाषण में बोल ही गए, पेट में रह नहीं गया, बोल ही गए कि भाई भी बच्चे जब ये चुनाव का टाइम आएगा तो याद रखना अपने मम्मी और पापा को जरूर कह देना कि ये हमने लैपटॉप तुमको दिया है इसलिए हमको जरूर तुम वोट दे। अब बताओ मुझे देखा तमाशा बना के रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी उनके भी नहीं रहा गया,
उनने भी कह दिया कि हमारे बूथ में अगर 100% वोटिंग हो जाता है तो 50 लाख रुपए हम आपको दिलवा देंगे। हो क्या रहा है, ये तो हमने कभी नहीं देखा। और इनके मंत्री भी देख लो, कोई मंत्री कोई आदमी तो टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई आदमी इस्तीफा दे देते हैं, कोई आदमी धरने पे बैठ जाते हैं कि पार्टी के अंदर भी क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। भ्रष्टाचार, अनाचार, ये सब चीजें एक साथ चल रही है। और मैं तो सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अब वो समय आ गया है जब हम लोगों को इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। आप लोगों ने मेरे को एक बात सिखाई, ये बात यह है कि किसी को झूठा वायदा नहीं करना। और मैंने इतने दिनों के अंदर कभी भी झूठा वायदा देके किसी का वोट नहीं लिया न लूंगी। आपने एक चुनरी बार बार मुझे पहनाई है, ये बहुत जोरदार विश्वास की आपकी चुनरी है और इसकी विश्वास को रखने का काम मैंने किया है और आगे भी करूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। इसे विश्वास को रखने का काम ये मेरा काम है और मैं इसके बाद आप लोगों को इतना आह्वान करूंगी कि हम सब मिलकर इस पुराने राजस्थान को नए राजस्थान बनाने का काम करें। एक ऐसा सुंदर राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारी महिला सुरक्षित हो। आज मुझे डर लगता है, महिला डरती है कि अपनी बच्ची चली जाती है स्कूल या कॉलेज में तो कब वापस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कितना डर लगता है। राजस्थान एक ऐसा है, एक ऐसा प्रदेश है जिसमें महिलाओं के अत्याचार बहुत बढ़ गए और महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम हमारा है, सरकार का है। जो लोग अपनी बहू और बेटी की इज्जत को नहीं संभाल सकते उन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तो कुर्सी पर बैठने का बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ एक तो उनका काम, हमारे बच्चों को पलायन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। यहाँ व्यवसाय आए, यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ उनको काम मिले, यहाँ राजस्थान को बनाने में वो लोग भी हमारे साथ हिस्सेदार बने, ये काम हम लोग मिलकर साथ करेंगे। और हमारा किसान अन्नदाता, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पर सही टाइम पे बिजली, सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे खाद, सही टाइम पे बीज और सही बीज उनको मिले और जब वो जाता है बाजार के अंदर तो उसकी फसल के सही पैसे मिले, ऐसी स्थिति राजस्थान के किसानों के लिए हमको बना के रखना है। हमने पहले बना के रखा था, आगे भी बना के रखने का काम करेंगे। हमारे किसान भाइयों को मैं ये आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आप देख लीजिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर किसानों ने तो आत्महत्या कर दी है, राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं हुआ, परंतु अब वो स्थिति बन गई है जो हमारे किसान भी आत्महत्या करने शुरू हो गए हैं। इस चीज को रोकना है और नया राजस्थान जो बनेगा, इस नए राजस्थान के अंदर इन सब व्यवस्था को हमको संभाल के रखना है। अब आप लोगों के सामने मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी कि हिम्मत है, हिम्मत है, अरे आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, परंतु अगर समृद्ध खुशहाल और मजबूत राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान बनाना है जो गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, आगे आने वाले प्रदेशों के साथ फिर से अपनी जगह पर पहुंचे, तो मैं समझती हूँ हमारा स्वाभिमान और हमारी इज्जत हम सबको वापस लौट जाएगी। हम लोग सबको उसके लिए काम करना है, एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। तो 36 के 36 लोग, उनके साथ सब मजहब के लोग एक सूत्र में बन के एक परिवार के रूप में आगे बढ़ेंगे तो ये बदलाव आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है भाइयों। ये मैं ठोस बता के कह सकती हूँ, कोई नहीं रोक सकता है। आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि आप संपन्न हो जाओ, आपकी गरीबी में ही उनका वोट है। जब तक आप गरीब हो तब तक आप उनके पास दौड़ते रहोगे, जब तक आप इनके बीच में लड़ाइयां कर देंगे तब तक आधे वोट उनको मिलेंगे। अब नहीं चलेगी बात, अब राजस्थान को छुटकारा देना है, हम लोगों को मिलकर नया राजस्थान बनाना है। और अगर आपकी तैयारी है तो जोरदार तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बता दो कि आप लोग करने को तैयार हो। या मैंने आप लोगों के लिए एक अटल जी के 4 लाइने मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। आज इस कार्यक्रम के अंदर हमको उनकी बहुत याद आ रही है और मैं उनकी 4 पंक्ति आपको समर्पित करती हूँ। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की और घटाए, पांव भी नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि बलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। याद रखो सब लोग, और सब लोग मिलके साथ चलने की पूरी तरह से ध्यान करके चलने की जरूरत है। और आप दोनों हाथ पकड़ के मेरे साथ राजस्थान का एक जो
शहर जोधपुर का। जय जय राजस्थान। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी